पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों का कोरोना जांच किया गया था, जिसके जांच रिपोर्ट में जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाना शुरू किया। लेकिन पिछले दिन भी कदमा बाजार के समीप के टिस्को क्वार्टर से संक्रमित पाए जाने के बाद कदमा क्षेत्र के 30% लोग संक्रमित हो गए, जिसके बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से पूरे कदमा क्षेत्र को 5 कंटेनमेंट जोन में तब्दील करते हुए हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी घर कदमा बाजार से सटा हुआ है, जो अब स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया। वही प्रशासन ने कदमा के विभिन्न कंटेनमेंट जोन में बैरिकेटिंग का क्षेत्र को सील कर दिया और उसके आसपास के घरों को लोगों को कोरोना जांच आरंभ कर दी, ताकि जल्द से जल्द अन्य संक्रमितों की जानकारी प्राप्त हो और इस चैन को तोड़ने में प्रशासन सफल हो सके। तो ये तो चीज अच्छा ही है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सारा शहर के लिए ये अच्छा चीज। मार्केट के तरफ में आज जैसा दोस्तों बता रहा था कि 30 आदमी निकला है, क्षेत्र में कुल मिलाकर 500 से अधिक कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। वर्तमान में पिछले 2 सप्ताह में हम लोगों ने यहाँ 5 टेस्ट ड्राइव यहाँ हम लोगों ने संचालित करवाया, जिसमें से 20-30% लोग पॉजिटिव पाए गए। इसलिए कदमा मार्केट को जो है उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आस पास के सारे इलाके बफर जोन में हैं, इसीलिए हम लोगों के द्वारा एक मेडिकल टीम उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनकी जाँच की जा सके, ताकि अधिक से अधिक कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें आइसोलेट किया जा सके।